हेलो फ्रेंड्स, आस्था ट्रिक्स एंड टिप्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में मस्त होंगे। फ्रेंड्स, क्या इस बार की गर्मी ने आपके फेस को डल कर दिया है? बुझा बुझा सा लग रहा है, बेजान सा लग रहा है, या रिंकल की प्रॉब्लम हो गई है और ग्लो तो मानो गायब ही हो गया है और अनटोन स्किन भी हो गई है? तो फ्रेंड्स, अगर इन सब की ये सारी परेशानी आपके फेस पर है या इन सब में से कोई भी परेशानी आपके फेस पर है, तो आज मैं आपको जो पैक बताने जा रही हूँ वो बहुत ही अच्छा है इन सारी परेशानियों को दूर करने के लिए। और अगर इस पैक को आप सप्ताह में दो बार यूज़ करेंगे तो ये सारी परेशानी आपके फेस से गायब हो जाएंगी और ग्लो तो आएगा ही आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं मैंने इस पैक को कैसे बनाया है और कैसे यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमको चाहिए 1 से 1.5 चम्मच करीब करीब हमको आलू का जूस चाहिए। आलू में स्टार्च होता है, नेचुरल स्टार्च पाया जाता है, ब्लीच होता है जो टैन रिमूव करके ग्लो लाता है। और उसके बाद 1/2 चम्मच हमको चाहिए होता है मसूर की दाल का पाउडर। मसूर की दाल का पाउडर ब्राइटनिंग एंड वाइटनिंग का काम करता है। और फ्रेंड्स, उसके बाद हमको चाहिए 1/2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी पोर्स को टाइट करती है और स्किन के पीएच बैलेंस को ठीक करती है और हमारी स्किन से एक्स्ट्रा ऑयल को निकालती है। और उसके बाद करीब करीब 1/2 चम्मच ही हमको चाहिए दूध। जिसकी फेस पर स्पॉट हो वो दूध की जगह पे दही का भी यूज़ कर सकते हैं। और इन चारों चीज़ों को मिलाकर हमको एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेना है फेस पे लगाने के लिए। और इसके बाद हमको एक चीज़ इसमें और ऐड करनी है। 1/2 चम्मच के करीब करीब हमको इसमें एलोवेरा जेल ऐड कर देना है। और एलोवेरा जेल तो सभी को पता होता है कि वो कितना अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए। हर व्यक्ति को कम से कम एक टाइम तो गर्मी में एलोवेरा जेल का यूज़ करना ही चाहिए। और फ्रेंड्स, इन सब को हमको मिलाकर एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेना चाहिए और उसके बाद हमको अपने फेस पर इसको अप्लाई करना है। और फेस पर अप्लाई करने से पहले फेस को हम अच्छे तरीके से क्लीन कर लेंगे और क्लीन करने के बाद हम इस पेस्ट को अपने फेस पर लगा कर रखेंगे। थोड़ा सा 5 से 7 मिनट हम मसाज कर लेंगे और उसके बाद हम इसको अपने फेस पर इसको इस पैक को लगाएंगे। और कम से कम 15 से 20 मिनट तक हमें अपने फेस पर इस पैक को लगा के रखना है। और फ्रेंड्स, उसके बाद हमको इसको ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। और फ्रेंड्स, रिजल्ट आपके सामने है। फ्रेंड्स, अगर इस पैक से आपके फेस पर ग्लो आया हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और अगर अच्छा बहुत आपको ये रेमेडी अच्छी लग रही हो तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप अपना ध्यान रखिएगा और इसको सप्ताह में 2 बार ज़रूर यूज़ कीजिएगा। ये पूरी गर्मी भर आपको तरोताज़ा और आपके फेस पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने देगा। तो फ्रेंड्स, फिर आऊँगी कोई और अच्छा सा वीडियो लेकर। तब तक ही अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।